हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरटी लेक्चर्स आरटी लेक्चर्स के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है बिलियरी ट्रैक के स्पेशल रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे बिलियरी ट्रैक के जो सेकेंड इन्वेस्ट स्पेशल रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन इंट्राविनस कोलेंजग्राफी या फिर प्री ऑपरेटिव कोलेंजोग्राफी के बारे में स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया था जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है आप वहाँ जाकर इसे देख सकते हैं साथ ही आप बिलियरी सिस्टम की अनाटमी को भी वहाँ पर देख सकते हैं जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा स्टूडेंट्स वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करते हैं इंट्राविनस कोलेंजग्राफी के बारे में जिसको हम प्री ऑपरेटिव कोलेंजोग्राफी के नाम से भी जानते हैं चूँकि इसमें जो कॉन्ट्रास्ट है उसको इंट्राविनसली इंजेक्ट किया जाता है वेन्स के अंदर इसलिए इसे हम इंट्राविनस कोलेंजियोग्राफी भी कह सकते हैं एंड क्योंकि इसके अंदर जो भी कोलेसटोमी ऑपरेशन होता है उससे पूर्व इसको हम परफॉर्म करते हैं इसलिए इसे हम प्री ऑपरेटिव कोलेंजोग्राफी भी कह सकते हैं तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इंट्राविनस कोलेंजियोग्राफी इन्वेस्टिगेशन क्या होता है और इस इसे किन किन कंडीशंस के अंदर किया जाता है और किन कंडीशंस में यह प्रोसीजर कोंटाइंडेट होता है साथ ही हम बात करेंगे इसके किस प्रकार से इस प्रोसीजर इसको प्रोसीड किया जाता है और आफ्टर प्रोसीजर पेशेंट को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं तो आइए हम शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से किस प्रकार से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं दिस इन्वेस्टिगेशन इज परफॉर्म वहीन ओ सी जी इन्वेस्टिगेशन इज फेल्ड ड्यूटी पोअर ऑब्जॉर्पन ऑफ कॉन्ट्रास्ट ओरल कॉन्टास्ट मीडिया यह इन्वेस्टिगेशन तब किया जाता है जब ओ सी जी देट मीन औरल कोलेसिस्टोग्राफी इन्वेस्टिगेशन कॉन्टास्ट मीडिया के पोअर ऑब्जॉर्प्सन या कह सकते हैं कि कम ऑब्जॉर्प्सन के कारण फेल हो जाता है ओ सी जी इन्वेस्टिगेशन को समझने के लिए प्रीवियस वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है अब हम डिफाइन करते हैं आई वी सी दैट मीन इंट्राविनस कोलेंजियोग्राफी प्रोसीजर या प्री ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी प्रोसीजर को आई सी इज द रेडियोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ गोल ब्लैडर एंड बिलियरी ट्रैक्ट टू इवेलुएट गोल ब्लैडर एंड बिलियरी ट्रैक्ट गोल ब्लैडर एंड बिलियरी ट्रैक्ट एबनॉर्मेटीज विद इंट्राविनली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया रेडियोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन दैट मीन कह सकते हैं हम जो आईबीसी है गोल ब्लैडर व बिलियरी ट्रक का एक रेडियोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन होता है जिसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंट्रावीनसली वेन्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेट या इंजेक्ट करके गोल ब्लैडर व बिलियरी ट्रक की जो एबनॉर्मलिटीज होती है उनको हम क्या करते हैं यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं या फिर उनको एवेलट कर सकते हैं इट इज आल्सो काल्ड प्री ऑपरेटिव कॉलेंजोग्राफी बिकॉज दिस इन्वेस्टिगेशन इज़ डूइंग बिफोर ऑपरेशन कोलेसिस्टक्टोमी रिमूविंग ऑफ ब्लैडर इसको प्री ऑपरेटिव कॉलिजोग्राफी के नाम से भी हम जानते हैं क्योंकि यह इन्वेस्टिगेशन कोलेसिस्टेक्टोमी जो ऑपरेशन होता है इससे पहले किया जाता है जिसमें गॉल ब्लैडर को सर्जिकली रिमूव किया जाता है कट करके स्टूडेंट्स देन हम बात करते हैं इसके इंडिकेशंस की दैट मीन यह इन्वेस्टिगेशन कब किया जाता है और इसमें गोल ब्लैडर की किन किन मेडिकल कंडीशंस को हम पता कर सकते हैं जिसमें फर्स्ट है कोलेसिस मतलब गोल ब्लैडर में स्टोन हो सेकंड कोलेसिस्टाइटिस दैट मीन मतलब गोल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन होना थर्ड है कोलेडो कोलेसिस मतलब कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन होना फोर्थ नंबर पे है कोलेस्टेसिस दैट मीन जो बाइल के फ्लो में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आना जो कि ट्यूमर या स्टोन के कारण हो सकता है बेलियरी ट्रैक्ट ट्यूमर और न्योप्लाज्म बिलियरी जो ट्रैक्ट है उसके अंदर ट्यूमर का फॉर्मेशन होना एंड सिक्स नंबर पे है बेलियरी ट्रैक्ट स्ट्रिक्चर एंड स्टिनोसिस बिलियरी ट्रैक्ट में स्ट्रिक्चर या स्टिनोसिस हो सकता है स्ट्रिक्चर बोले तो मतलब ट्रैक्ट का पिचक जाना जो कि किसी भी कारण से हो सकता है एंड स्टिनोसिस बोले तो मतलब ट्रैक की आंतरिक ल्यूमइन का नैरो या सकरा हो जाना जैसे कि एथिलेरस्कोसिस के अंदर होता है ब्लड वेसल्स में ब्लड वेसल्स में क्या होता है जब कोलेस्ट्रोल का डिपोजिशन होने लग जाता है आंतरिक सतह पे तब उनका जो पाथ होता है वो सकरा हो जाता है तो वो कंडीशन कहलाती है ब्लड वेसल्स की एथिलेरोक्लोरोसिस इसी प्रकार इन इसके अंदर होता है जो बिलेरी ट्रैक्ट होती है इसके अंदर भी अगर अंदर से डिपोजिशन होता है किसी कोलेस्ट्रोल या किसी अदर मटेरियल का तो तब इसमें क्या होता है उस कंडीशन वो कहलाती है जब नैरो हो जाता है उसका पात तो वो कंडीशन कहलाते हैं स्टिनोसिस स्ट्रिक्चर इस दैट मीन वो पिचक जाते हो उसकी मसल्स के अंदर किसी प्रकार की डिफॉर्मिटी आ जाती है तो वो क्या है पिचक जाती है जैसा कि आप इसको इस डायग्राम में देख सकते हैं जो ये फर्स्ट वाली कंडीशन है वो है स्ट्रिक्चर को बता रही है एंड जो सेकंड वाली कंडीशन है जिसके अंदर क्या है जो इंटर जो लूमेन है इंटरनली उसके ऊपर डिपोजिशन हुआ है तो ये बता रही है इसके अंदर स्टिनोसिस को दैनम बात करते हैं बिलियर ट्रक के ऑब्सट्रक्शन की ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी कारण से हो सकता है बिलअरी ट्रक के अंदर वो भी किसी स्टोन के कारण हो सकता है या फिर उसके ट्यूमर के कारण या फिर स्टनोसिस के कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है दैनम स्टूडेंट्स बात करते हैं इसके ओ सी जी इज नॉट सक्सेस ड्यू टू पुअर ऑब्जॉर्बन ऑफ ओरल कॉन्ट्रास्ट मीडिया दैट मीन अगर ओ सी जी अनसक्सेज या सक्सेज नहीं हो तो उस कंडीशन में भी इस प्रोसीजर को हम परफॉर्म करते हैं बिकॉज ओसीजी कब अनसक्सेस होती है जब ओरल कॉन्ट्रास्ट देते हैं उसका पोअर मतलब बहुत कम रूप से उसका ऑब्जॉर्प्शन हो पाता है तो हमने यहाँ पे बात कर ली है कोलेलिथियासिस कोलेसिस्टाइटिस कोलेडो कोलेसिसिस कोलेस्टेसिस बिलरीट्रक ट्यूमर और न्योप्लाज्म बिलिट्रक स्ट्रिक्चर स्टिनोसिस बिलट्रक ऑब्सक्शन ओसिस इज नॉट सक्सेज ड्यूटी पोअर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया बिको स्टूडेंट्स हमने जो फर्स्ट वाले जो चार इन्वेस्टिग ये इंडिकेशंस है हमने प्रीवियस एनाटॉमी में भी कंप्लीट किए थे जो आप वहाँ पे भी जाके इसको अच्छे से समझ सकते हैं ये क्या होता है डायग्राम विद डायग्राम जैसा कि आप इसके अंदर डायग्राम में भी देख सकते हैं ये सभी कंडीशंस को शो कर रहा है इसके अंदर कोलेस्टेसिस मतलब जो सी बी डी है उस सी बी डी के अंदर किसी स्टोन का आने के कारण जो बाइल का पाथ है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है नेक्स्ट है कोलेलिथियासिस दैट मीन गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन एंड कोलेडोकोल इतिहासिक दैट मीन सीबीडी के अंदर स्टोन हो एंड कोलेसिस्टाइटिस दैट मीन गोल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन होना एंड जो ये वाली कंडीशन है ये बता रही है इसके अंदर ट्यूमर को जो कि गोल ब्लैडर में है एंड सीबीडी में है और साथ ही साथ जो हिपेटिक डक्ट है उसके अंदर भी ट्यूमर है तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि ट्यूमर कैसे फॉर्म होता है इसके अंदर अब हम बात करते हैं इसके कॉन्टाइंडिकेस के स्टूडेंट्स दैट मीन किन कंडीशंस में इस इस प्रोसीजर को हम कॉन्टेंडिकेट करते हैं मतलब इस प्रोसीजर को नहीं किया जाता है फर्स्ट है अक्यूट कोलेसिस्टाइटिस गंभीर रूप से कोल जो गोल ब्लैडर है उसका इन्फ्लामेशन हो जाना कॉन्ट्रास्ट हाइपर सेंसिटिविटी कॉन्ट्रास्ट से बहुत ज़्यादा अत्यधिक संवेदनशीलता या एलर्जी हो पेशेंट को प्रेगनेंसी एंड रिसेंट बैरियम इन्वेस्टिगेशंस इस प्रकार से अक्यूट कोलेसिस्टाइटिस कॉन्ट्रास्ट हाइपर सेंसिटिविटी प्रग्नेंसी एंड रिसेंट वेरियम स्टडी स्टडीज इनके अंदर हम इस प्रोसीजर को करने से बचते हैं देन हम बात करते हैं इसके कॉन्टास्ट मीडिया की दैट मीन कॉन्टास्ट मीडिया कौन सा यूज किया जाता है इसके अंदर या हम वो कॉन्टास्ट मीडिया यूज करते हैं जो कि आइडिनेटेड वाटर सोल्यूबल हो और उनका लीवर के थ्रू इजिली एक्सक्रेशन हो तो आइडीनेटेड वाटर सोल्यूबल कॉन्टास्ट मीडिया विच ईजिली एक्सक्रेड ट्रू द लीवर इज यूज लाइक दैट कोलोग्राफिन एंड बिलीग्राफिन ये दोनों ही आई वी कॉन्ट्रास्ट आते हैं जो जो मार्केट के अंदर कोलोग्राफिन एंड बिलीग्राफिन के ब्रांड से अवेलेबल होते हैं और इनको हम आई वी यूज करते हैं पेशेंट के अंदर देन हम बात करते हैं स्टेंट्स इसके इक्विपमेंट्स की दैट मीन कौन से इक्विपमेंट चाहिए इस इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए जिसमें फर्स्ट है फ्लोरोस्कोपी एक्सरे मशीन सेकंड सिरिंज आई वी सैट कॉन्ट्रास्ट मीडिया एंटी सेप्टिक सोल्यूशन लाइक दैट बीटाडीन गोजपीसीज रेडियोग्राफिक कैसेट्स एंड लैडपटीन ये सभी इक्विपमेंट्स ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर हमें रिक्वायर होते हैं दैन हम स्टूडेंट्स बात करते हैं इसके पेशेंट प्रिप्रेशन की देट मीन पेशेंट को किस प्रकार से हम इसमें एग्जामिनेशन से प्रायर किस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं यह तैयारियाँ होती हैं पेशेंट की रिकमेंड फैट फ्री डाइट टू द पेशेंट टू डेज़ प्रायर टू द एग्ज़ामिनेशन एग्जामिनेशन से दो दिन पूर्व पेशेंट को फैट फ्री डाइट रिकमेंड करते हैं एंड देन जो एग्जामिनेशन से प्रायर वाली नाइट होती है उसमें हम पेशेंट को लग्जी लेने के लिए रिकमेंड करते हैं एन बी एम फॉर सिक्स टू ट्वेल्व हावर्स प्रायर टू द एग्ज़ामिनेशन पेशेंट को छः से, से बारह घंटे पूर्व कुछ भी खाने या पीने से मना किया जाता है एंड देन उसके जो प्री प्रोसीजर टेस्ट होते हैं वो हम करवाते हैं जैसे कि ब्लड यूरिया एंड सीरम क्रिएटिनिन उन टेस्ट को करवाने के बाद में हम पेशेंट से जब पेशेंट आता है तो उससे ओपटेन करते हैं हम कंसेंट फॉर्म जो कि हमें उस प्रोसीजर को करने की सहमति देता है वो कि साइंड होता है पेशेंट के द्वारा एंड उसके बाद में पेशेंट से हम उसके जो कपड़े एंड जो उसकी ज्वेलरी होती है उसको रिमूव करवाते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट से और उसको एक हॉस्पिटल गाउन पहनने के लिए कहते हैं हॉस्पिटल गाउन पहनने के बाद में पेशेंट से उसके जो कॉन्ट्रास्ट से संबंधित एलर्जी है उसके बारे में हम पूछते हैं कि उसकी प्रीवियस कॉन्ट्रास्ट एलर्जी की कोई हिस्ट्री तो नहीं है एंड देन हम उसके बाद में स्टूडेंट्स प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं बात करते हैं इसके प्रोसीजर की प्रोसीजर मत दैट मीन इस प्रोसीजर को कैसे किस प्रकार से किया जाता है उसकी बात करते करे थे, करते हैं हम यहाँ पर तो आफ्टर पेशेंट प्रिपरेशन पहले इस द पेशेंट इन सुपाइन पोजिशन ऑन फ्लोरोस्कोपिक टेबल पेशेंट की प्रिपेशन के बाद में हम पेशेंट को फ्लोरोस्कोपिक टेबल के ऊपर सुपाइन पोजिशन में लिटा देते हैं एंड देन उसके बाद में हम प्रीलिमिनरी फिल्म लेते हैं एबडोमिन की जो कि हमें सुनिश्चित करना होता है बाउल प्रिपेशन को इस प्रकार से एपडोमिन की एपी सुपाइन पोजिशन लेके हम बाउल प्रिपरेशन को इंश्योर कर लेते हैं एंड देन एक आई वी सेट इंसर्ट करते हैं पेशेंट की वेन के अंदर आर्म की वेन के अंदर एंड उसके बाद में एंड देन कॉन्टास्ट मीडिया इज गिवन थ्रो द आई वी बाई द ड्रिप इन्फ्यूजन बिकॉज इन रैपिड इन्फ्यूजन द कन्टास्ट में बी एक्सक्रीटेड बाई द किडनी उसके बाद में हम आई वी सेट से ड्रिप इन्फ्यूजन के थ्रू ड्रिप बाई ड्रिप पेशेंट को कंटास्ट को देते हैं बिकॉज अगर हम कॉन्टास्ट को रैपिडली इन्फ्यूज करेंगे तो तब उसके किडनी से एक्सक्रीट होने की संभावना अधिक होती है इसलिए हम पेशेंट को जो कॉन्ट्रास्ट आईवी देते हैं उसको हम इन्फ्यूजन के थ्रू ड्रिप बाय ड्रिप कॉन्ट्रास्ट देते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद में हम बात करते हैं इसके रेडियोग्राफिक इमेजेस की तो जो रेडियोग्राफिक इमेजेस होती है वो चार से पाँच घंटे बाद ली जाती है आफ्टर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन स्टूडेंट्स दैन हम बात करते हैं इसके फिल्मिंग की हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फिल्म आर टेकन ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर इस प्रोसीजर के दौरान कितने प्रकार की हम फिल्में लेते हैं तो यहाँ पर हम तीन प्रकार की फिल्म टेकन आउट करते हैं फर्स्ट है स्काउट फिल्म जो कि बाउल प्रिपेशन को चेक करने के लिए ली जाती है वो अबडोमिन सुपाइन पोजिशन में ली जाती है सेकेंड है सुपाइन ट्वेंटी डिग्री राइट पोस्टीरियर मोबलिक थर्ड नंबर पे है प्रोन ट्वेंटी डिग्री लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक यहाँ पे जो राइट पोस्टीरियर ओब्लिक एंड लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक का मतलब है जो साइड हमें दी गई है जैसे कि राइट right पोस्टीरियर है और ओब्लिक है तो इसके जो रिमेज रिसेप्टर या टेबल होगी उसके कॉन्टैक्ट में राइट साइड होगी उसके संपर्क में राइट साइड होगी एंड जो लेफ्ट साइड है वो ट्वेंटी डिग्री उठी हुई होगी एंड नेक्स्ट है लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक जिसके अंदर जो लेफ़्ट साइड है वो इमेज रिसेप्टर या केसिट को टच करेगी एंड जो राइट साइड है इसकी बीस डिग्री एलीवेटेड या उठी हुई होगी तो इसमें आप देख सकते हैं ये फर्स्ट फिल्म ए पी एफ है सुपाइन या स्काउट फिल्म एंड ये सेकेंड फिल्म ट्वेंटी डिग्री आर है एंड ये थर्ड फिल्म ट्वेंटी डिग्री लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक है देन हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इसके कॉम्प्लिकेशंस की दैट मीन विच टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशंस सीन ड्यूरिंग दिस आफ्टर दिस प्रोसीजर तो यहाँ पर जनरली मिल टेम्प्रेरी कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलते हैं लाइक दैट वोमिटिंग डायरिया एंड नोजिया पेशेंट को उल्टी हो सकती है दस्त हो सकते हैं और उसका जी मचला सकता है इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिल सकते हैं कुछ केसेज होते हैं उनके अंदर हमें एडवर्स रिएक्शन भी देखने को मिल सकती है जैसे कि स्किन इचिंग एंड रेडनेस स्किन के अंदर बहुत खुजली होना और उसका रेडनेस होना लाल होना तो इस प्रकार के हमें कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं एंड देन हम बात करते हैं इसके आफ्टर केयर की तो स्टूडेंट्स यहाँ पर किसी प्रकार की कोई आफ्टर केयरिंग नहीं होती है नन होती है यहाँ पर आफ्टर केयरिंग आई वी सी इच ऑप्सलेट नाउ डेज बिकॉज इट रिप्लेस्ड बाई द ई आर सी पी एंड एम आर सी पी एंड यू एस जी क्या है इसको रिप्लेस कर लिया कर दिया गया है ई आर सी पी एंड एम आर सी पी एंड यू एस जी के द्वारा तो इसलिए आजकल यह प्रचलन में नहीं है एप्सल्यूट ऑब्सल्यूट दैट मीन अप्रचलित है इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का यह वीडियो लेक्चर होता है कंप्लीट। स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो लेक्चर ऑन आर टी लेक्चर्स